जिला भूमि एवं संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास, औद्योगिकरण आदि में कृषि भूमि बड़े पैमाने पर घटती जा रही है, जिससे कृषि भूमि का आकार सिकुड़ रहा है। इसे जनपद में उपलब्ध समस्याग्रस्त भूमि को खेती योग्य बनाकर क्षतिपूर्ति करना नितांत आवश्यक है। जनपद को कृषि की अच्छी उत्पादकता के लिए एवं समस्याग्रस्त क्षेत्रों के भूमि सुधार के निराकरण हेतु प्लान बनाकर अमल की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जलाशय तथा विगत वर्षों में बनाए गए जलाशय माद के कारण अपनी जल संचय क्षमता खो रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण खेती योग्य जमीन आवासीय भूमि में परिवर्तित हो रही है तथा औद्योगिकरण एवं नई नई सड़कों के निर्माण से सभी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार भूमि संरक्षण के उपाय अपनाकर बीहड़, बंजर, उसर, जलमग्न भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया जाए, जिससे कृषि योग्य भूमि की बढ़ोतरी की जा सके। बैठक में विधायक खजनी संत प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नाला जो है यहाँ से लेकर सिंचाई विभाग करेगा।